तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही टेस्टी और यमी सा बनने वाला चारसी चिकन। और ये बहुत ही कम सामान में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के होता है रेडी। और जब ये आप चिकन खाएंगे तो आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि इतने कम सामान में, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में ये कैसे इतना टेस्टी बन के होता है रेडी। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो देखें कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में ले लिया है 1 कप ऑयल और उसमें डाल दिया है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने पहले बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब इस चिकन को मैं हाई फ्लेम पे करूँगी फ्राई। और इसमें मैं डाल दूंगी नमक, ताकि नमक जो है वो चिकन के अंदर तक चला जाए, इसलिए मैं यहाँ पे फ्राई करते वक्त नमक डाल रही हूँ। और ऐसा करने से इसका पानी भी रिलीज़ होगा और ये बहुत अच्छे से अंदर तक फ्राई भी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमें इस चिकन को लाल होने तक फ्राई करना है। इस तरह से, तो देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ बस इसको हल्के से कट कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। ये आधा किलो से ज़्यादा टमाटर हैं, तो यहाँ पे मैं टमाटर को इसमें प्लेस कर दूँगी और इसे ढककर रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और उनकी स्किन जो है ना वो आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए, जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो इनकी स्किन भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर की स्किन निकाल दी है और अब जो इसमें एक्सेस ऑयल था, जो ज़्यादा ऑयल मैंने डाला था, उसे मैं निकाल लूँगी। आप इस ऑयल को किसी और ग्रेवी में या किसी और सब्ज़ी में या पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप में से मैंने आधा कप ऑयल निकाल लिया है और अब मैं इन टमाटर्स को अच्छे से क्रश कर लूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप जितना इस चिकन को, जितना इस कढ़ाई को आप भूनते रहेंगे, उतने ही ये टमाटर सॉफ्ट होके ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बस इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लहसुन, पर मैं डायरेक्ट लहसुन का पेस्ट नहीं यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे आधे कप में 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट जो है वो मिक्स कर लिया है, यानी कि उसका घोल बना दिया है और फिर इसे ऐड कर दिया है चिकन में। और बस अब हम इसे फ्राई करते रहेंगे तो हमारा लहसुन का कच्चापन भी चला जाएगा और ये टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल के सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो ये देखिए, फ्राई होते होते टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और सब आपस में घुल गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है हरी मिर्चें। आप मिर्चें ज़्यादा और कम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, पर इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है ग्रेवी का। और बस इसे बहुत अच्छे से मैं फ्राई करती रहूँगी। तो देखिए, फ्राई होते होते हमारे चिकन में अच्छा सा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लास्ट में ब्लैक पेपर पाउडर। इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस इस डिश में इतने ही मसाले हैं, इतने ही इंग्रेडिएंट्स हैं, इससे ज़्यादा और कोई इंग्रेडिएंट नहीं है। अब इसे भून के थोड़ा सा मैं और फ्राई कर लूँगी और इसे मैं ढक के रख दूँगी
पकाने के लिए, यानी कि जब तक कि हमारा चिकन गल नहीं जाता तब तक मैं इसे ढक के रख दूंगी लो फ्लेम पे। और बस 10 मिनट में हमारा टेस्टी और यमी सा चारसी चिकन बनके हो गया है रेडी। तो ये देखिए, तो अब मैं इसे करने लगी हूँ डिश आउट। तो हमारा टेस्टी सा यम्मी सा बेहतरीन सा चारसी चिकन बनके हो गया है रेडी। तो हम लोगों ने तो ये चिकन बहुत एंजॉय किया, आप भी बनाएं और एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।